अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। औरंगाबाद के डॉक्टर गफ्फार खादरी को कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र का कारगुजार सदर बनाए जाने पर नांदेड़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सलीम भाई शकील मास्टर ने औरंगाबाद पहुंचकर डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब की शालपोशी व गुलपोशी करके उन्हें मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद में CAA, NRC, NPR के खिलाफ मुस्लिम तंजीमों और सियासी पार्टियों की जानिब से एहतजाज किया गया। احتجاج پر ردعمل امیت شاہ نے کیا دعویٰ کہ زیادہ تر مظاہرے ہیں سیاسی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے شریعت ترمیم قانون کے خلاف ہونے والے مظاہروں کو زیادہ تر سیاسی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس نئے قانون کی وجہ سے کوئی بھی ہندوستانی اپنی شریعت سے محروم نہیں ہوگا۔ महाराष्ट्र में सियासी बहरान बढ़ गया है और वजीर आला उद्धव ठाकरे की शिवसेना के वाहिद मुस्लिम लीडर और वजीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार ने अपने अहदे से इस्तीफा दे दिया है। ज़राए के मुताबिक इन्होंने काबिनी वजीर ना बनाए जाने की वजह से इस्तीफा दिया है। दरअसल असेंबली इलेक्शन से चंद माह कबल इन्होंने कांग्रेस से अलगी इख्तियार करके शिवसेना का दामन थाम लिया था। शिवसेना ज़राए ने फिलहाल इस खबर पर कुछ नहीं कहा है। अब्दुल सत्तार ने रिजाइन किया है, बकायदा क्या कैबिनेट में कहीं ना कहीं मतभेद है, इसकी वजह से कैबिनेट में कोई मतभेद नहीं है, कैबिनेट मजबूत है। अब्दुल सत्तार राज्य मंत्री है। बात ऐसी है, अगर कोई मंत्री इस्तीफा देता है तो इस्तीफा मुख्यमंत्री के पास चला जाता है या सीधे राजभवन में चला जाता है, लेकिन न राजभवन के पास जानकारी है न मुख्यमंत्री के पास कोई जानकारी है उनके इस्तीफे के बारे में, इतना मैं कह सकता हूँ। बहुत ही सीरियस है। माइनॉरिटी जो है पाकिस्तान जैसे देश में, उनकी रक्षा की बात हम हमेशा करते हैं और पाकिस्तान ने बार बार कहती है
कि उनके देश में जो माइनॉरिटीज है, सिख है, हिंदूज है, क्रिश्चियन है, उनकी रक्षा के बाद अगर इमरान खान करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, और इस प्रकार की घटना घटती है, मुझे लगता है पाकिस्तान में ठीक नहीं है सब कुछ। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी हफ्ते के रोज मुजफ्फरनगर पहुंची। प्रियंका गांधी ने मुजफ्फरनगर में मुबीना तौर पर पुलिस ज्यादती की शिकार 22 साल रुखैया परवीन के घर पहुंचकर इनसे मुलाकात की, जिनकी शादी 4 फरवरी को होने वाली है। अब रुखैया के सर पर पट्टी बांधी हुई है। प्रियंका गांधी ने रुखैया परवीन की फैमिली से मुलाकात करके इन्हें बताया कि वो हर कदम पर इनके साथ है। वो तो मीडिया मैडम, हमने अभी तक कोई किसी यानी अखबार को प्रेस को कोई बाइट नहीं दी, क्योंकि हमारे अभी भी 11 बच्चे अंदर हैं। रात 4 छूट के आए, अभी 11 अंदर हैं। कितनी उम्र होगी उनकी? ये समझिए 20 साल तक से सब छोटे छोटे हैं। 20 से छोटे से 15 16 केसेस लगाए हैं उन्होंने। हां केस तो लगाए हैं। कैसे केस लगाए हैं? जो है वो किसी को बताया था जो पेपर ममता बनर्जी ने CAA और NRC के खिलाफ मार्च की क्यादत की। ममता बनर्जी ने वजीर आजम मोदी पर तंज करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी हमेशा ही पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं, वो हिंदुस्तान के वजीर आजम है लेकिन हमेशा पाकिस्तान के बारे में ही बात करते हैं। नागरिक हम सब नागरिक है। वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। मैं नरेंद्र मोदी जी को इज्जत करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को मानते, लेकिन हम उनको एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, अगर हमारा देश इतना बड़ा देश है, हमारा लोकतंत्र इतना बड़ा लोकतंत्र है, तो आप क्यों पाकिस्तान से हमारा देश को कंपेयर करते हैं? आपको शर्म नहीं लगता है? आपका सरोव नहीं लगता है? आप क्या पाकिस्तान का एम्बेसडर बन गया? क्या आपको पाकिस्तान का एम्बेसडर बनाया कि हर तरफ हर रोज पाकिस्तान को ग्लोरीफाई कर रहा है? आप हिंदुस्तान को बात करो, पाकिस्तान को बात मत करो। हम पाकिस्तान को बात नहीं सुनने चाहते हैं, पाकिस्तान को हम नहीं चाहते हैं, हम हिंदुस्तान को चाहते हैं। आप हिंदुस्तान को साथ पाकिस्तान को कंपेयर मत करो। और बातों पे अब पाकिस्तान को बात ले आता है जैसे कोई एम्बेसडर हो गया है पाकिस्तान का, खाली दिन रात ग्लोरीफाई करते हैं। हम पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम हिंदुस्तान को सपोर्ट करते हैं, हम हिंदुस्तान को मिट्टी को सपोर्ट करते हैं। क्या हो रहा है देश में? अगर कोई कहे कि हमारा बेरोजगारी है, हमको नौकरी दो, तो बोलता है पाकिस्तान में चला जाओ। अगर कोई कहे कि हमारा खाना नहीं खाना दो, तो बोलता है पाकिस्तान में चला जाओ। अगर कोई कहे हमारा इंडस्ट्री नहीं है, हमको बचाओ, तो बोलता है पाकिस्तान में चला जाओ। अगर कोई कहते हैं हमारा नागरिक का अधिकार आप क्यों छीनेंगे, तो बोलता है पाकिस्तान में चला जाओ। क्यों? और बातों में पाकिस्तान हिंदुस्तान भूल गया? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर होके खाली पाकिस्तान का बात कर रहे नाने उर्दू न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे।